एटा में शिवानी के घर वालों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो दबंगों ने शिवानी की हत्या कर दी और अब वो उसकी तीन बहनों के साथ भी ऐसा ही करने की धमकी दे रहे हैं। परिवार ने मदद के लिए सीएम योगी से लेकर पुलिस तक को गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। शिवानी उपाध्याय हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार को दबंगों ने जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उनकी तीनों बहनों के साथ भी वैसा हश्र करने की बात कर रहे हैं जैसा उन्होंने शिवानी के साथ किया था। दबंगों की धमकी से परिवार दहशत में है। पिता अपनी बेटी के कातिलों की सजा दिलवाने के लिए फिरोजाबाद के एंका थाने और एटा के सकीट थाने का चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। बेटी मतलब 12/4 को मतलब एटा आई थी और एटा से पता नहीं चला, उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद में जब हमने उसको जानकारी की इधर उधर तो कोई जानकारी नहीं मिली। फिर हमने मतलब 5/1 को गुमशुद रिपोर्ट लिखाई और उसके बाद फिर हम मतलब जाला वाला भागत रहे पुलिस के पास, पर पुलिस ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। सुनवाई नहीं होता देख पीड़ित परिवार ने सीएम से सुरक्षा की मांग की है, लेकिन उन्हें वहां से भी बस मायूसी ही हाथ लगी, तो अब परिवार ने जिले से पलायन करने का मन बना लिया है। इधर पूरे मामले पर पीड़ित परिवार के दहशत और खौफ में जीने की सूचना पाकर राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य उनसे मिलने पहुंची और उन्हें सांत्वना दी और पूरे मामले को लेकर पुलिस की आला अधिकारियों से बात की। एक बच्ची गुमशुदा हुई है और उसकी रिपोर्ट लिखाई गई है। उसके बाद परसों रात को मुझे मेरे साथियों ने बताया कि उस बच्ची का निधन हो गया है, उसको मार दिया गया है और उसकी जो लाश है वो बहुत ही बीभत्स अवस्था में नहर के किनारे पाई गई है। और ये भी पता है कि परिवार को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, परिवार पर लोग आकर के धमकियाँ दे रहे हैं, परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और यहाँ तक कि इतना कहा जा रहा है कि जो इस परिवार की और तीन बेटियाँ हैं उनके साथ ही वो बीभत्स कृत किया जाएगा। इनके पिता श्री महेश उपाध्याय जी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि रोली जी जो हमारा परिवार है वो बहुत ही संकट में है, क्योंकि गाँव का एकमात्र ब्राह्मण परिवार है, हम लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पूरा मामला सकीट थाना क्षेत्र के गढ़िया यादगारपुर में रहने वाली शिवानी का है, जो एक निजी स्कूल में टीचर के पद पर तैनात थी। जब वो घर वापस लौट रही थी तभी स्कूल के ही एक कर्मचारियों ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर फफ्तियां कसी और उसके साथ छेड़छाड़ भी की। ये सिलसिला यूं ही रोज चलता रहा तो शिवानी ने इसकी शिकायत आरोपी के घर वालों से की, तो आरोपियों ने 12 अप्रैल को उसको अगवा कर लिया। घर वालों ने शिवानी को बहुत खोजा लेकिन वो नहीं मिली, तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सकीट थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस उसे नहीं खोज पाई। पुलिस को करीब 2 महीने बाद शिवानी का लाश फिरोजाबाद के एका थाने में मिली। शिवानी से पूरा परिवार टूट चुका है और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए थानेदार से लेकर SP तक के चक्कर लगा रहे हैं। लड़की थी वो घर से गायब हुई थी तो उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और कुछ दिनों बाद वहाँ पे फिरोजाबाद में एका में उसकी लाश मिली और वहाँ की पुलिस ने 302 का मामला दर्ज किया, अज्ञात में दर्ज किया गया और वहाँ बेचना भी चल रही है। वो अगर बेचना ट्रांसफर होकर हमारे यहाँ आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो अगर वहीं पर चल रही होगी तो वहाँ की पुलिस कार्रवाई करेगी और इस घटना का पूरा संज्ञान भी है, वहाँ के SSP से भी बात हो रखी है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। 1 महीने बाद भी शिवानी के हत्यारे अब भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है, जो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब शिवानी गायब हुई थी तो उसके कुछ दिन बाद ही परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तब पुलिस ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। एटा से RB द्विवेदी की रिपोर्ट।